नमस्ते। सभी आए हुए पवित्र आत्माओं को नमस्कार। I want everybody to close the eyes. आँख बंद करिए। जिस तरह से हमारे शरीर में हाथ पांव है, फिजिकल बॉडी में हाथ पांव है, मसल्स है, टिश्यूज है, नर्वस सिस्टम्स है, और जो हमारा शरीर है उसके अलावा दूसरे 6 शरीर है, टोटल 7 शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर है, उसके बाहर दूसरे 6 शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर में चक्रज होते हैं, जैसे हाथ पांव ऐसे। हर एक चक्र हमारे अगर एक्टिव या डीएक्टिव होते हैं तो उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है। फिलहाल हम सबके चक्र क्लीन करेंगे, आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे आप। हमारे सभी चक्र क्लीन हो गए। जब भी हमारे चक्र क्लीन होते हैं, जिस तरह से हम स्नान करते हैं, इस तरह से चक्र का भी स्नान होना चाहिए। कुछ भी चीज़ अगर ग्रहण करना है या कुछ भी चीज़ वी वॉन्ट टू रिसीव, इफ अवर चक्रज आर ओके, चक्रज आर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, दोनों कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, चक्र की क्षमता है, चक्र की कैपेसिटी है। व्हाट एग्जैक्टली, जब क्लींजिंग हो जाते हैं हमारे चक्रस, हमारे बाकी सब बॉडीज हमारे हिसाब से कंपेटिबल हो जाती है, हर एक बॉडी एक दूसरे के साथ। टोटल 7 बॉडी है, उसके बारे में हम थोड़े टाइम के बाद लेंगे। पहले तो हम आकर में नमस्कार बोला था। नमस्ते जब हम कहते हैं तो व्हाट डू वी मीन, इट मींस आपके भीतर में जो आध्यात्मिक शक्तियां है उसको मैं नमन करता हूं। द मोमेंट मैं उसके साथ उनको मैं नमन करता हूं, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट, जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। बहुत सारे लाइफ में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, जिस तरह से बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल को नीचे आना ही है, ये मर्फी लॉ है। इसी तरह से आप जो देंगे आपको वही मिलने वाला है। तो जब भी मैं उसको नमस्कार करता हूं, किसको भी, मुझे सामने नमस्कार ही मिलने वाला। जैसे इस स्लाइड में बताया, हम जब भी नमस्ते कहते हैं और उसको नमन करते हैं, दो चीज होती है हमारे भीतर में, जो लविंग एंड काइंडनेस है वो जागृत होती है। नमस्ते जैसा जिस तरह से इस तरह से कहते हैं, उसका सेकंड चीज होता है कि हमारे हार्ट से जो ऊर्जा निकलती है वो सामने वाले को नमन की ऊर्जा निकलती है। इमीजिएटली उसी पल
अंगु सामने से नमस्कार हो जाए, हो जाए। तो नमस्कार जब हम कहते हैं, हम उसके पीछे एक भाव भी भेज सकते हैं कि आपके भीतर में जो शक्तियां है उसको मैं नमस्ते कहता हूं। ये भाव होना ही चाहिए, तो नमस्कार का कोई मीनिंग है। और जब भी हमारे भीतर में लविंग एंड काइंडनेस डेवलप हो जाती है, उसके साथ जब हम एक हो जाते हैं तो हमारे बीच में एक वननेस हो जाती है। तो वननेस वननेस क्या है, हम कुछ समझते नहीं वननेस नहीं, लेकिन वो समझना ही पड़ेगा। जब तक मैं उसके साथ वन होने को नहीं सीखूंगा, मैं परमात्मा के साथ वननेस होने को सीख नहीं पाऊंगा। ये तो मेरी टेस्ट है। और जब भी हम वननेस की तरफ दौड़ते हैं, एक आप यूनिवर्सल वननेस हम आ सकते हैं। और जब भी हम वननेस के साथ दौड़ेंगे, जब भी हम अपने भीतर में लविंग एंड काइंडनेस रखेंगे, हमने क्यों जन्म लिया, इसकी हमारा पर्पस क्या है, जन्म क्यों लिया, Why did we come on this earth, for what purpose? ये हमको पता चलता है। The purpose of my life और purpose of our life, वो हमको पता चलता है। आए क्यों? आए ये माँ बाप, ये कुल, ये दोस्त, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ये फैमिली, वो हमको क्यों मिला? सो वी कम टू द पर्पस ऑफ द लाइफ। और जब भी हम पर्पस ऑफ द लाइफ पता चलते हैं, हम परमात्मा से एक होने को लग जाते। तो हमारा जो पर्पस है मर्जिंग परमात्मा के साथ एक होना, ये नमस्ते से ही शुरू हो सकता है। तो सिंपल सारी चीज है, हम परमात्मा को ढूंढने को निकले तो परमात्मा तो हम खाली नमस्ते बोलने से भी मिल सकते हैं। दैट वननेस इज डेवलप, द इनिशियल स्टेज इज नमस्ते। पीयूष भाई, परमात्मा से एक होने के लिए बहुत सारे रास्ते। मैं यहां परमात्मा के एक होने के लिए बैठा नहीं हूं, लेकिन वो वननेस है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, दैट गॉडलीनेस है, जो भी आप भाव, जो भी नाम बोलो उसको, बहुत सारे रास्ते हैं। और ये बात भी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल पाथ। एक नमस्ते बोल दो, वो भी एक सिंपल पाथ है। परमात्मा के साथ एक अरबर जिस तरह से अदर वेज है, तो ये वेज सब सिंपल, जितने भी सिंपल तरीके होते हैं हम आसानी से जो कर सकते हैं उसमें का एक पाथ है। और दूसरा पाथ है अपने भीतर में पाथ है। टू बी वननेस, और परमात्मा से एक क्यों होना है, Why do we get one with परमात्मा? इसलिए परमात्मा से एक होना है, हमको भौतिकता भी चाहिए। We need prosperity, we need materialistic pleasure। भूखे पेट में कोई परमात्मा के पास दौड़ नहीं सकता है। Nobody can serve a master with an empty stomach। परमात्मा से एक होने से हमारी जो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है वो भी बढ़ सकती है। और बहुत सिंपल, जो जैसा बताया सिंपल पाथ इज, क्या करना है हमको उसके साथ एक होने में, क्या करना है उसकी जैसा हमको बरतना है।
हाउ कैन वी बी द वेहिकल, हम वो इंस्ट्रूमेंट कैसा बन सकते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर में आवे। द पाथ इज वेरी सिंपल, टू बी विथ, बी लाइक हिम। He'll be one with us. और जब हम उसके साथ एक होते हैं, मिरेकल्स हम कर सकते हैं। मिरेकल्स करने के लिए हमको कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। मिरेकल्स करने की क्षमता हमारे भीतर में है। द आर्ट टू क्रिएट मिरेकल इज सिंपल, बी विद गॉड। हाउ डू वी बी विद गॉड, हम उसके साथ जावे, उसके बदले में उसको ही अपने भीतर में लेकर आवे। हमको क्या चाहिए लाइफ में, जो चाहिए परमात्मा से एक हो जाओ। हमको जो चाहिए हमको सब मिल सकती है। टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक प्लेजर, टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, भौतिकता, आध्यात्मिकता, सब हमको आ सकती है हम जब एक हो जाते हैं। और वेरी सिंपल पाथ है, दैट इज टू बी लाइक हिम, उसके जैसा हम बन जाते हैं। उसके जैसा बनना तो बहुत बात तो बहुत हो गई कि हम उसके जैसा बन जाएंगे, बनेंगे कैसे? बहुत सारे मेडिकल्स देखे, हम कर भी सकते हैं, मेडिकल्स अपने आप गणित हो जाती है और हमारी, हम एक हो जाते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, चित शक्ति और क्रिया शक्ति एक हो जाती है। हम जो इच्छा करते हैं, हमको जो चाहिए वो क्रियात्मक हो सकती है। इट विल मैनिफेस्ट। द आर्ट इज टू बी लाइक हिम, वो परमात्मा के जैसे हम बन जाएंगे, बाकी तो सिर्फ अपने आप, बाकी सब चीज अपने आप, इट विल फॉल इन इट्स प्लेस। वेरी सिंपल, मैंने बोल दिया उसके जैसा बनो, बट वॉट इज दिस बींग लाइक हिम, उसके जैसा हमको बनना है वो क्या है? बी लाइक हिम क्या है? ये इसके जैसा कभी बन सकते हैं? हमने उसको कभी देखा नहीं है। बहुत जन हम लोग ने परमात्मा को नहीं देखा है, लेकिन उसके मिरेकल्स तो हर एक चीज में देख रहे हैं। उसके मिरेकल्स आप में देख सकते हैं, उसके मिरेकल्स ये बाहरी दुनिया से हम देख सकते हैं। तो ये मैनिफेस्ट क्यों हुए? तो ये मिरेकल्स करने के लिए हमारे भीतर में जो शक्ति है उसको हमको जागरूक करनी है। परमात्मा जैसा हो जाना, मैंने तो बोल दिया, इधर से बैठे कुछ भी हो जाता है। पहले तो मैं हुआ हूं क्या परमात्मा से? मैं तो छोड़ो, हमारे में से एक एक जन परमात्मा से एक हो सकता। वेरी सिंपल पार्ट है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उसके बाद जो छह बॉडी है, वो सबको एक लाइन में रख देते परमात्मा के साथ, तो रास्ता क्लियर है परमात्मा को आने के। परमात्मा परमात्मा बोध बोल रहा हूं, गॉड, हायर कॉन्शियसनेस, इसका मीनिंग क्या है? हमारे भीतर में ही वो मैक्रो एनर्जी है, जो महान शक्ति है, उसके हम एक अंशी है। तो ये अंशी को हम डिफाइन अगर करते हैं, हम उसको अगर अपने शरीर को अगर तोड़ते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे तुरंत ही बाहर 4-5 इंच छोड़ के हमारा एथरिक बॉडी है, या सेकंड बॉडी कहते हैं, या उसको हेल्थ हो रहा कहते हैं। चार इंच 5 इंच के बाद हम वो ककुन में है जहां हमारा फिजिकल बॉडी है। तो सेकंड बॉडी के अंदर हमारा फर्स्ट बॉडी है, जिसको हम हेल्थ होना कहते हैं। अगर हम बराबर हो सके, सबसे पहली अच्छी चीज मिलेगी हमको हेल्थ।
We cannot unhealthy हो ही नहीं सकते अगर हम परमात्मा से एक हो जाते। कार्मिक रीजन हुए तो बात अलग है, लेकिन जो सब लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, वो साइकोसोमेटिक है क्योंकि वो विचारों से आए हुए है, वो बीमारी तो आ ही नहीं सकती। तो इस सेकंड बॉडी के बाहर हमारा थर्ड बॉडी है, जो ये जो फिजिकल बॉडी है, उसके बाद ये जो सेकंड बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है, ये लाल कलर का जो है वो एथरिक बॉडी जिसको सेकंड बॉडी कहते हैं, उसके बाद जो तीसरा बॉडी है जिसको हम विचारों का शरीर कह सकते हैं या इमोशनल बॉडी है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है। हमारे लाइकिंग्स, हमारे डिसलाइकिंग्स, हमारे लव, हमारे पेशेंस, हमारी हेट्रेट, ये सब इधर पॉकेट्स बन के बैठे हुए, खतरनाक में खतरनाक है तीसरा बॉडी है। जो प्रॉब्लम्स है वो तीसरे बॉडी के साथ है हमारे बीच। उसके बाद जो है वो चौथा बॉडी जो मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी इज हायर कॉन्शियसनेस, हायर इंटेलिजेंस, या जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, हमारी बुद्धि का बॉडी है, जो बुद्धि तत्व कहते हैं वो फोर्थ बॉडी। और उसके बाद जो फिफ्थ बॉडी है वो हमारी आध्यात्मिकता का बॉडी है। छठा और सातवां शरीर के हम बात नहीं करेंगे, वैसा ये ब्रह्मांड के साथ छठा बॉडी है और परमात्मा के साथ सातवां बॉडी। ये बॉडी परमात्मा से जो ऊर्जा चलती है वो सातवां बॉडी से छठे बॉडी पे से पांचवें बॉडी पे चौथा बॉडी पे तीसरा पे से दूसरा पे से जो फिजिकल बॉडी पे आती है। तो यहां कहां पर भी रुकावट आ गई हमारे स्थूल शरीर पे वो शक्ति नहीं आ सकती है परमात्मा की, ये प्राण वायु बोलो या की एनर्जी बोलो जो भी बोलो, वो उधर रुक गई, यहां नहीं आ सकती है। जिस तरह से दिन के अंदर यहां से लाइट आ सकती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है, यहां से लाइट नहीं आ सकती है क्योंकि ये कोर्स है। इसी तरह से ये नेगेटिव बॉडी बोल जा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है वो पॉजिटिव बॉडी कहते हैं। तो ये बॉडी को सुधार लो, परमात्मा तो अपने भीतर आएंगे आएंगे और आएंगे। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी चित्त शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति सब एक हो जाएगी। अच्छी हेल्थ मिलनी ही है, हेल्थ के साथ वेल्थ तो मिलना ही है, भौतिकता होना ही है, प्रॉस्पेरिटी मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए ही हमको। इंटेलिजेंस चाहिए ही हमको, अपने आप हमारे हमारे बीच में आ जाएगी। तो ये जो तीसरा शरीर है जो मैंने बोला खतरनाक है,